आप देख रहे हैं एसके न्यूज। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है और ना ही अपराधियों के मन में पुलिस का भय दिख रहा है, जिससे आए दिन घटनाएं घटती जा रही हैं। ऐसे ही एक मामला जालौन के कोतवाली क्षेत्र के ग्राम कैद गाँव का है, जहाँ कल सुबह 8 बजे घर के बाहर खेल रहे 2.5 साल का मासूम बच्चा गायब हो गया था। घर वालों ने इसकी सूचना पुलिस को दी थी, लेकिन अगले दिन ही घर के बाहर बने तालाब को पंप सेट के जरिए तालाब को खाली किया जा रहा था, तभी उसमें अचानक एक बच्चे का हाथ दिखाई दिया और पुलिस को सूचना दी गई। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस ने तालाब में खुदाई करवा तो वहां उपस्थित सभी लोगों के होश उड़ गए। जब तालाब में उस लापता बच्चे का शव मिला तो वहाँ उपस्थित परिजनों में चीख पुकार शुरू हो गई। जालौन के SP सुरेंद्र नाथ तिवारी ने बताया कि परिजनों द्वारा जो तहरीर दी गई उस पर जालौन कोतवाली पुलिस ने धारा 63 का मुकदमा पंजीकृत कर लिया था, लेकिन अभी कुछ नहीं कहा जा सकता जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाती, उसके आने पर ही कुछ पता लग पाएगा। जालौन से विष्णु पांडे की रिपोर्ट। 1.5 साल का बच्चा सम्राट और गुन्नू और उसकी डेड बॉडी आज मिली है। कल 8 बजे से लगभग घर से गायब था, मिसिंग था। उसको पहले परिजन तलाशते रहे, दोपहर के बाद थाने पर सूचना इन लोगों ने दिया था और सूचना पर वहाँ पर 363 का मुकदमा भी कायम कर लिया गया था और पुलिस और परिजन और गाँव वाले मिलकर के उसकी तलाश भी कर रहे थे। आज उसके घर के पास ही एक तालाब है, तालाब में पानी था, उसको निकालने के लिए कोशिश की जा रही थी। उसका पैर वगैरह लगा पानी निकाला जा रहा था, उसी बीच उसकी डेड बॉडी दिखी है। उसको निकाल करके और उसके पंचायतनामा पर कार्रवाई कराई गई है। हमारी फील्ड यूनिट और झांसी से डॉग स्क्वाड की टीम जो आई है उसका परीक्षण कराया जा रहा है और पंचायतनामा भर के और जो विधानिक कार्रवाई कराई जा रही है। नहीं नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं, कोई विवाद भी नहीं वो लोग बता रहे हैं अभी तक। इस तरह कोई विवाद की भी कोई बात अभी संज्ञान में नहीं है।